एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे व्लॉग्स। जहाँ से मैंने व्लॉग एंड किया था वहीं से व्लॉग स्टार्ट कर रही है। वही कपड़े निकाला है यूनिफॉर्म अपना, इसलिए टॉवल लपेटा हुआ है। और वाशु को आज ये मिल गया स्कूल से जो मैंने बनाया था फ्लैग। नेक्स्ट टाइम वाशु बनाएगा अपने हाथ से, है ना। मैं देखिए धूप में गई थी बिना फेस कवर किए, फेस की हालत ब्लैक ब्लैक लगने लगा। धूप मेरे लिए ना बड़ा दुश्मन होता है मेरा, तुरंत ही ब्लैक कर देता है, पता नहीं क्यों। धूप में विटामिन डी होता है। डी होता है वो, ठीक है, लेकिन ये भी होता है। मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। नीचे हम लोग बैठ गए थे, अभी कितना टाइम हो रहा है देख लीजिए। मैं तू ब्लॉग को ये आने को बोली थी। हाँ, इतना टाइम हो गया और मैं आज कुछ लर्न नहीं कर पाऊंगा, ये तो पक्का है। नहीं, लर्न करना पड़ेगा। मैं खाना खिला दूंगी, तुम चलो बैठ के लर्न करो। अब इसकी मैम भी आने वाली है, आज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। मैं थोड़ा लेटी हुई थी, मुझे नींद आने लगी थी, फिर मेरा फ़ोन आ गया कि मेरा पार्सल आ रहा है, तो मैं जा रही हूँ वही लेने के लिए। और ये लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है। पाशो, नींद आ रही है क्या? अंदर आके सो। तो पार्सल मुझे इसी तरीके से लेना। मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, रस्सी भी टूट गई है। ये बट्टू मेरा क्या खा रहा है? आलू भी है। आलू भुजिया खा रहा है। आज कोई आ रहा है पता है तुमको? वाशु तो नहीं पता, मेरे यहाँ कोई आ रहा है। एक फ़ोन आया मेरे पास, तो फिर वाशु उस समय उसकी मैम आई थी, स्टडी कर रहा था। मेरी एक सिस्टर आने वाली है, आप सबको नहीं पता है, आप सब ने नहीं देखा है। कौन? वाशु नहीं जानता अभी, शायद देखे तो पहचान जाए। तो उसकी 5 बजे की ट्रेन है, वो रात में पहुँचेगी। तो फिर मैंने उसको एड्रेस वगैरह सब कुछ बता दिया है। और अच्छा हुआ कि मैंने आज राजमा भिगोया था, मैंने कहा चलो आज अच्छा खाना भी बना दूँगी। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, अभी मैं चलती हूँ थोड़ी देर में अपना बनाती हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बचपन का कुछ भी याद नहीं है, तो मैं उनसे मिला हूँ कि नहीं। अच्छा, मुझे आज तक उनका चेहरा भी नहीं याद है। हाँ, एक छोटा सा बच्चा भी आ रहा है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। हाँ, अब देख लेना कौन आ रहा है। मुझसे छोटा है कि मुझसे बड़ा? तुमसे छोटा है थोड़ा। जब नए लोग आते हैं तो देखना चाहते हैं कि हाँ आपने दिखाया नहीं रेसिपी। और एक लोगों ने कमेंट किया था कि आपने फलहार अच्छा नहीं बनाया था, तो सच में अच्छा नहीं बना था। हर बार अच्छे से बन जाता था, कल बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हो गई थी ना कि नहीं अच्छा बन पाया। कोई बात नहीं, खाने में टेस्ट अच्छा लग रहा था जब मैंने उस पर खीरा वगैरह डाल दिया था, तो अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं है। बाकी हर बार तो अच्छा ही बनता है, बहुत पसंद आता है मुझे। कल का थोड़ा सा नहीं अच्छा बन पाया था। बहुत टाइम बाद मुझे यहाँ पर एक पिम्पल फिर निकल गया। बहुत टाइम बाद आपको फ़ोन किया ना? हाँ, उसका पेपर है ना, इसके बाद आपके पास उनका अभी तक नंबर है? नहीं, मेरे पास नहीं था, निक्की मौसी भी है। चलो मैं चलो वाशु, चलो तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, क्योंकि आ जाएंगे लोग फिर उसके बाद तुम पढ़ोगे नहीं। चलो पढ़ो। नहीं नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है ना। चलो मुझे सुना जो मैम दी है वो लर्न करके सुना। वैसे तुमको लर्न है, ज़्यादा तो लर्न करना नहीं है। पानी पिया? हाँ ठीक है, चलो ये जाओ रख के आओ किचन में। ये उठा ले जाओ, रख के सिंक में रखना। अब मैं वाशु से भी थोड़े बहुत काम करवाती हूँ, वाशु बड़ा हो गया है ना, तो थोड़ा बहुत अपना काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं पहले इसका स्टडी देख लेती हूँ कि कंप्लीट है या नहीं। कुछ कुछ तो इसका कंप्लीट है अभी, और उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। उसके बाद में आ गए जो बर्ड्स के लिए रखा है ना मैंने पानी पीने के लिए, उसमें पानी डालने। आजकल मैं पाइप से नहीं डालती हूँ, पता पूरा पाइप उलझ जाता है, तो 4-5 पग में आराम से भर जाता है, तो मैं इसी तरीके से डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने प्लांट में भी पानी डाल दिया। ये डॉगी मुझे देखा तो भौंकने लगा, वाशु को पहचानता है, वाशु को बुला रहा है, उसके साथ बात करता है। क्या हुआ? मैं वाशु को भी नहीं बुला सकती, वाशु स्टडी कर रहा है। तुम भी जाके करो। मैं बनाने तो जा रही हूँ राजमा, लेकिन ये राजमा ना मैंने सोचा बॉयल करूँ, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत नरम सा है, डर लग रहा है बॉयल करूँगी तो ऐसा ना हो कि एकदम गल जाए। मैं सोच रही हूँ इसको डायरेक्ट ही बना दूँगी। देखिए एकदम से ये ना गला हुआ सा लग ही था, पता नहीं कौन सा राजमा है ये। प्याज कट हो गया है, और ये टमाटर, धनिया की पत्ती, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने जा रही हूँ।
और ये खड़ा लहसुन, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे बहुत पसंद है और जिसको जिसको मैंने खिलाया सबको पसंद। कुकर गैस पे मैंने चढ़ा दिया है, इसमें ऑयल डाला है, देन प्याज और लहसुन जो है उसको मैं भून लूँगी। मिर्चा तो मैं पेस्ट बना रही हूँ तो उसको ऐड करूँगी। और यहाँ पे देखिए प्याज जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है। पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई, मैं राजमा हर बार बनाती हूँ लेकिन मेरे साथ कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं आगे शेयर किया हुआ है मैंने आपसे। इसके बाद टमाटर धनिया की पत्ती मैं इसमें ऐड कर दूँगी और साथ साथ सारे मसाले। जैसे कि मैं फुल रेसिपी तो दिखा नहीं रही हूँ, ऑलरेडी कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ राजमा की रेसिपी, लेकिन अगर कोई न्यू होगा तो बताएगा। अगर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो फुल डिटेल में शेयर कर दूँगी आप सभी के साथ। जो राजमा है पता नहीं कितनी बार बना चुकी हूँ लेकिन ऐसी मिस्टेक कभी नहीं हुई थी कि मैं इतना सोचूँ। मैंने बॉयल नहीं किया, अब दिखने में तो इतना नरम लग रहा था, आप सभी ने तो देखा ही, और बॉयल न करने का रिजल्ट ये था कि मेरा राजमा हुआ ही नहीं। मैं आगे आप सभी को दिखा रही हूँ अभी इसी व्लॉग में। और मैंने कहा आटा गूंथ के रख लेती हूँ, चावल जो है वो थोड़ी देर बाद रख लूँगी। तो आटा यहाँ पे मैंने गूंथ लिया है, थोड़े बहुत बर्तन थे उनको भी वॉश कर लिया। और ये देखिए फ्रिज में मुझे दिख गया इमली, कितने टाइम का मन कर दिया खाने का तो मैंने खा लिया। और किसका किसका मन कर रहा है खाने का, ऐसे खट्टी चीज़ें देखो ना तो मन कर देता है। और देखिए राजमा की हालत तो एकदम मूडी हो गया। ये दिखा रहा था उस वक्त कि एकदम गला हुआ राजमा है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों इस तरीके से है, और मैंने कई सीटी दिलवाया लेकिन देखिए गला ही नहीं है। मैं क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि ऊपर से थोड़ा सा ना बेकिंग सोडा डाल दूँ, वही है कि टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। आप सबको कोई ट्रिक पता होगा तो बताइएगा। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैंने, मुझे लगा कि हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। अब चल रही हूँ इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी। वाशु जो है एकदम परेशान है, उधर ही खटरा पास में आ रहे हो। वाशु रुको, लड़का एकदम परेशान है, कब आएंगे लोग कब आएंगे, इसको पता चल गया ना एक बच्चा भी है छोटा तो एकदम परेशान है कब आएंगे, वेट कर रहा है। और अभी तो आने में थोड़ा सा टाइम है ट्रेन को। हाँ ट्रेन को आने में अभी थोड़ा सा टाइम है बेटू, अभी आ जाएंगे लोग। मैं वाशु को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और ये देखिए अपने नाम बता। पार्थक द्विवेदी, पार्थक द्विवेदी द्विवेदी मैं समझ नहीं पा रही हूँ बार्बक। अच्छा, और ये मेरी बुआ की लड़की है, मेरी सिस्टर, उसका बेटा है ये। बहुत सालों बाद हम मिल रहे हैं, वो अभी यहाँ नहीं है क्योंकि वो एग्जाम देने गई है, उसका एग्जाम था। और ये लोग बहुत रात में पहुँचे, लगभग 1 बज गए थे, 1 बजे रात में ये लोग पहुँचे, इसी वजह से मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं अभी वेट ही करते रह गई। और वाशु भी वेट करते करते सो गया, और सुबह जब उठा है और जल्दी उठ गया है सुबह। वाशु कितने बजे, 6 o'clock या फिर उससे पहले ही उठ गया है। तो ये सोया हुआ था और वो मेरी सिस्टर जाने के लिए रेडी हो रही थी, उसका मोहन सराय की तरफ पेपर है जो यहाँ से 15 किलोमीटर है समथिंग। तो वाशु उससे तो मिल लिया है लेकिन इसको कोशिश कर रहा था उठाने का, बच्चे है ना बच्चों में ही मन लगता है। लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं मत तो उठा उसको, मुझे उम्मीद नहीं था कि रह लेगा ये, लेकिन रह लिया। उठा है तो क्या किया, पूरे घर में जा कर के रो रहा था तो फिर मैं लेके आई हूँ, मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा अच्छा इसको गेम खेलना पसंद है, तो मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया, मेरे मोबाइल में तो कोई गेम रहता नहीं है, मैंने कार रेसिंग वाला डाउनलोड किया, इसको दिया, तब थोड़ा सा मेरे से बातचीत करने लगा। अभी मैंने इसको ब्रेकफास्ट करा लिया है, मैंने पूछा बनाना खाते हो, तो कह रहा हाँ बनाना खाता हूँ। इधर लाओ बजाओ, मैं इधर लेके आओ ये देखो, ठीक है ले लो बजाओ, देखना बस हाथ ना कटे इससे, ऐसे ऐसे करके बजाते हैं ठीक है। अभी वो आएगी तो मैं आप सभी से मिलवाती हूँ, और वाशु भी आता है तो मैं मिलवाती हूँ। अभी मेरे घर के काम नहीं हुए हैं, अभी मैं इसी को संभाल रही थी, तो मैं जा रही हूँ घर के काम करने। और ये बहुत अच्छे से रह ले रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रह लेगा लेकिन रह ले रहा है। मेरे साथ बच्चे रह लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि मैं भी बच्चों को बहुत मानती हूँ ना, तो बच्चे मेरे साथ एडजस्ट हो जाते हैं। क्या है, ट्रैक्टर है, अच्छा इसमें मिट्टी जाता है, हाँ इसमें मिट्टी दे जाता है, खेलो तुम ठीक है। अच्छा वेरी गुड, रो नहीं रहा है, खेल रहा है, मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ घर के। तो ये है मेरी सिस्टर जो हम पता नहीं कितने सालों के बाद मिल रहे हैं, मे भी 6-7 साल हो गए होंगे हमें मिले हुए। मेरी बुआ की लड़की है ये, और ये उसी का बच्चा था जो मैंने आपको सुबह दिखाया। और अभी शाम होने वाली है, ये जाने वाली है, इसका पेपर था इसीलिए आई थी। किस चीज़ का पेपर था, UP SSSC का,
तो इसीलिए आई थी। और इसका बहुत दूर, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी दूर पड़ गया था सेंटर, तो गई थी पेपर पर देख के आई है। कहाँ गया ये, इसका लड़का है ये इधर उधर घूम रहा है। और अच्छा हुआ कि मतलब फिलीन नहीं हो रहा था हमको कि मेरे साथ वो रह गए इतने टाइम तक। चलो खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना देर तक, हाँ इतने देर तक रह लिया, सो खिला, हाँ रह लिया, बच्चे मेरे साथ रह लेते हैं। तो ये लोग जाने वाले हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, जाते हुए दिखा दूँगी, ठीक है, बाय। गई, बाय। इसके हस्बैंड आए थे लेने के लिए, गई अब। और वाशु खेलने के लिए कोई मिला था तो अभी इतनी जल्दी चला गया, मैंने बोला कि रुक जाओ दो चार दिन, तो फिर नहीं रुकी, बोली अगली बार आऊँगी तो रुकेंगी, ठीक है ना। मेरा पट्टू इधर तो देखो। अरे पगलू, हम लोग लखनऊ चलेंगे जब, तो बिहान के पास रहेंगे, है ना। हम लोग जल्द यहाँ से जाने वाले हैं, वाशु की फेवरेट जगह है ना वाशु। मेरे बच्चा आए, मेरा बच्चा आ जाओ चले अंदर। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग, ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया और काफ़ी देर से चल रहा है, तो अब मैं इस ब्लॉग का ही पेंट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बोल तो दो, अरे मैं गिर जाऊँगी। सैड नहीं होते वाशु, सैड नहीं होते, मम्मा भी तो है ना। अभी चलेंगे शॉप पे, ठीक है, थोड़ा सा दूर पे चलेंगे घूमने, अभी मुझे जाना है शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए, तो लेके चलूँगी, ठीक है, बाइक मेरी बाहर ही है। चलो कॉल करके बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय। वाशु बहुत गुड बॉय है, समझ गया है। चलिए ठीक है, आप तो बोल दो बाय एंड टेक केयर, कैमरे में देख के बोल दो बाय बाय एंड टेक केयर। चलो मतलब बच्चा।